बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब मोबाइल मार्केट से आपके साथ लाइव हूँ जी। आपको दे दूंगा आज के एक अपडेट। अपडेट ये है कि भैया आपको मैं आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रखे थे इस मोबाइल के मुतल्लक, यानी कि आईफोन XS। तो ये इस्तेमाल शुदा है, यूजेबल, इसके प्राइस और इसकी कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा सऊदी अरेबिया से। भाई इससे पहले मैं आपको एक दो बातें आपके भाइयों के साथ कन्फर्म करता चलूँ। यार अक्सर आप मुझे पूछते हैं भाई लोकेशन बताओ, शॉप बताओ, तो ये मक्का में मौजूद है। ये मैं आपको अभी बता दूं, मक्का अल मुकर्रमा में ये शॉप मौजूद है। ये वहाँ से ये मोबाइल का रिव्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अलवा जो और ताइफ वगैरह से भी आपके साथ रिव्यू शेयर किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में घूमता हूँ। तो भाई एक बात मैं आपको कन्फर्म बता दूँ, अगर आपने ये मोबाइल ख़रीदना है तो आप इस शॉप से आके ख़रीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो भाई आप इस वीडियो मेरे बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ये वीडियो देखें और कंडीशन देखें मोबाइल की। आप इस कंडीशन का मोबाइल इतने तक का ले सकते हैं किसी भी दूसरे शहर से, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ये लें या कोई और लें, वो तो आप भाइयों की मर्जी ही होती है। तो चलते हैं जी इस मोबाइल की कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ और नीचे से बात करते हैं जी, जो मेन शुरू करते हैं नीचे से। स्पीकर ग्रिलिंग वगैरह है जी, बिल्कुल ओके, हल्की फुल्की धूल है, आप क्लीन करवा सकते हैं और कोई मसला नहीं है। चार्जिंग का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। भाई चार्जिंग मैंने देखा है, इसको लगाकर बिल्कुल ओके है जी। भाई दुकान वाला वारंटी भी दे रखा है। अगर साइडों से पावर ऑन ऑफ बटन की या वॉल्यूम बटन की बात करें तो वो भी बिल्कुल ओके है जी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। होता है कलर वगैरह उतरा हो तो वो भी नहीं है जी, इस्तेमाल करने से कलर उतर जाता है तो वो भी नहीं है, बिल्कुल ओके है जी, कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। तो अगर ऊपर से बात करें बिल्कुल ओके है जी। अगर बैक से बात करें तो नीचे आईफोन लिखा हुआ है जी, और नीचे लिखा हुआ है जी मेड बाय कैलिफोर्निया बाय चाइना। हालांकि पहले आईफोन के जो मॉडल आते थे यानी कि आईफोन 6 या 6S तो वो मेड इन कैलिफोर्निया ही लिखा होता था। सिंपल मेन चीज़ जो इसमें होती है जी, एप्पल वालों को लोगो यानी कि कटा हुआ सेब हर बंदे की इस पर नज़र जाती है जी। इसके ऊपर कुछ स्क्रैच नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, ओके है जी। अगर बैक कैमरों की बात करें तो मिरर वगैरह बिल्कुल ओके है जी, 12 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का इसके दो कैमरे बैक पर होते हैं, ये तो आप सब भाइयों को पता ही होगा। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें या ऊपर जो स्पीकर होता है इसमें कोई धूल वगैरह या कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ओके है जी, कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ सेल्फी कैमरा इसका 7 मेगापिक्सल का होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। 128 GB स्टोरेज में ये अवेलेबल है जो मैं आपको अभी दिखा रखा हूँ आईफोन XS। हालांकि इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जी आईफोन XS Max की, जो कि गोल्ड कलर में बहुत खूबसूरत मोबाइल था, यूजेबल था भी वो भी, उसके प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किए थे ताइफ से 2700 रियाल। और इस मोबाइल की अगर बात करें जो मैं आपको दिखा रखा हूँ जी, तो ये भाई अभी सऊदी अरेबिया मक्का में मौजूद हूँ, ये मैं आपको फिर कन्फर्म करता चलूँ। तो भाई इसके मोबाइल ये शॉप वाला यूजेबल के मांग रहा है जी 2000 रियाल, मुझे कुछ ज़्यादा लगे हैं थोड़े यार, लेकिन वो बोल रहा है मैं थोड़े कम कर दूंगा। अगर आप भाई मक्का में मौजूद हैं तो आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप उस दुकान का विजिट कीजिए, मैं आपको एड्रेस वगैरह बता सकता हूँ। तो आप उन भाई से रब्ता करें तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा, हो सकता है आपको 100 या 200 रियाल तक की मजीद कमी हो जाए इस मोबाइल के रेट के मुतल्लक। अगर आप किसी और शहर में हैं तो वहां से भाई इस कंडीशन का मोबाइल खरीद सकते हैं 1700, 1800 या 1900 रियाल तक। तो भाई किसी भी और मोबाइल के मुतल्लक जानना हो सऊदी अरेबिया से मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।